तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज का ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ से मंचूरियन और चाउमीन का रेसिपी। तो ब्लॉग तो मैं हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ, तो कुछ कुछ रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ से मैं कुकिंग वाला जो चैनल पर मैं जो डालती हूँ, तो मैं सोची से आप लोगों को भी दिखा दूं। तो मैं कैसे बना रही हूँ आप लोगों को मैं बोलती हूँ। इधर मैं पत्ता गोभी को घीस ली हूँ और इसका जो नमक डाल के और 10 मिनट के लिए मैं रख दी थी, और इसका पानी मैं निचोड़ के निकाल दी हूँ। तो इधर मैं मैदा और जो कॉर्नफ्लावर है और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का जो दरदरा कुटा हुआ मैं डाल दी हूँ। इसको आटा का फॉर्म में ला दूँगी। उधर मैं सारा सब्जी काट चुकी हूँ, तो इधर दो तरीका से शिमला मिर्च, दो तरीका से प्याज में कट करके रख दी हूँ। इधर जो मंचूरियन बॉल है जो मैं इसी तरीके से सब बना लूँगी। तो इधर देख सकते हैं मैं इधर बना ली हूँ। तो मैं इधर रिफाइन तेल में मैं बना रही हूँ, तो सरसों तेल में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ज़रूरत नहीं है सिर्फ रिफाइन तेल में इसको बना सकते हैं आप लोग। तो मैं जो है रिफाइन तेल में जो तल रही हूँ, तो इसको धीमा आंच पर मैं तलूँगी। आप लोग भी बनाइएगा तो धीमा आंच में ही इसको तले। उसका बाद जो लो फ्लेम में तली, उसका बाद जो है अंदर से सिक जाएगा, तो आप लोग हाई फ्लेम में आप लोग तल लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं अब बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको मैं निकाल लूँगी। हो चुका है तो इसका ग्रेवी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो इससे पहले तो मैं कढ़ाई में तो ऑयल डाल दे रही हूँ, मैं तो रिफाइन तेल में ही बना रही हूँ इसको भी, ग्रेवी को भी। तो ढेर सारा लहसुन काट के मैं डाल रही हूँ, और अदरक लहसुन का थोड़ा सा जो बच गया था वो भी डाल रही हूँ यहाँ, और इधर कटा हुआ प्याज और थोड़ा जो कटा हुआ शिमला मिर्च चौको चौको में, और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसका, लेकिन जो क्रंचपन जो है सब्जी का रहना चाहिए। से 1 से 2 मिनट इसको सॉटे करके जो है, तो उसका बाद में नमक डाल दी हूँ, और जब जो सॉस है मैं सॉस डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो है काला सॉस जो होता है वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, और चिली सॉस और टमाटर केचप जो है मैं भर के 2 चम्मच करके डाल रही हूँ हल्का मिठास के लिए। तो थोड़ा सा हल्दी मैं डाल रही हूँ, और एकदम हाई फ्लेम में इसको पकाना है 1 मिनट तक। और जो 1 मिनट पका के उसका बाद जो है 1 गिलास पानी में कॉर्नफ्लावर अच्छा से घोल के, ग्रेवी का लिए थिक ग्रेवी हो जाएगा, तो उसका लिए कॉर्नफ्लावर को हम लोग 1 गिलास पानी में हम लोग घोल लिए हैं। अब यहाँ जो है डाल दूँगी मैं, जब ग्रेवी अच्छा से पकने लगे तो मंचूरियन जो बॉल है इसमें मैं डाल दूँगी, और जो है लास्ट में जो है काली मिर्च जो होता है ऊपर से छीर देंगे, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। और आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। इधर मैं जो है चाउमीन भी बना ले रही हूँ, तो यहाँ हरा मिर्च मैं डाली हूँ तिखास के लिए, और कटा हुआ प्याज लंबा साइज में, और जो है
इधर मैं चाउमीन भी उबाल के रख ली हूँ। इधर मैं थोड़ा सा गाजर रख लूँगी, गाजर जो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसके लिए गाजर को पहले 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। उसका बाद जो है शिमला मिर्च डालेंगे और पत्ता गोभी जो है कट करके, तो गोभी को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। और इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं 1 चम्मच जो है चीनी में डालूंगी, और हल्का मिठास के लिए। तो इस तरीके से चाउमीन बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। इधर मैं सारा जो चाउमीन है मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इधर मैं जो है इसमें भी 1 चम्मच जो है काला सॉस डाल दे रही हूँ, और सोया सॉस है जो, और इधर जो विनीगर है, और थोड़ा सा गुलाब जल है, और ग्रीन चिली है, और जो पीला वाला जो सॉस होता है ना सरसों का, वो डाल रही हूँ। और लास्ट में जो टमाटर केचप है जो मैं वो भी डाल ले रही हूँ। अच्छा से मिला दे इसको, अब मिलाएंगे। अब थोड़ा सा नमक मैं डाल ले रही हूँ, क्योंकि जो सॉस है उसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक रहता है, इसलिए हिसाब से नमक डालें। तो इससे मिलाने में नहीं बन रहा है, तो मैं एक काटा चम्मच ले ले रही हूँ, उससे अच्छा से मैंने मिलाने में बनेगा, तो उससे मैं मिला लेती हूँ। तो देख सकते हैं इसको अच्छा से मिलाएंगे पहले। तो इसमें जो है इसमें भी कुछ मसाला भी छीटना बाकी है। तो इसमें जो है मैं गरम मसाला छीट दूंगी, और जो काली मिर्च होता है काली मिर्च, और थोड़ा चाउमीन मसाला मेरा पास था तो मैं डाल दी हूँ, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आप इसको सिर्फ काली मिर्च छीट के और गरम मसाला छीट के इसको हटा सकते हैं। तो इधर बन के तैयार है, और सच में खाने में बहुत टेस्टी लगा था। तो इधर मैं आप लोगों के एक प्लेट में निकाल के भी अच्छा से दिखा भी देती हूँ। तो मैं बहुत ही मैंने बहुत आसान तरीक़े से मैं बनाई हूँ, और खाने में बहुत टेस्टी था। तो आप लोग भी ये घर में ज़रूर बनाइएगा। तो इधर मैं मंचूरियन जो है मैं चाउमीन को ऊपर में डाल दे रही हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक है।